हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी मिश्रा स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट विद सोनी में। देखिए, आज से मैंने डेली टेस्ट सीरीज़ फॉर यूपीपीसीएस प्री 2018 के लिए 20 प्रश्नों का शुरू किया है। ठीक है, आज से आपकी एक प्रकार से लाइव टेस्ट सीरीज़ होगी, जिसमें आप लोगों को 20 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो कि यूपीपीसीएस प्री 2018 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जितना हो सकता है हम लोग प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे, जिससे कि आने वाला एग्ज़ाम हमारा, चूँकि अब माइनस मार्किंग है, तो आने वाला एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा लेंगे, जिससे कि जो डेली ये टेस्ट सीरीज़ चलेगी, करंट अफेयर्स का हमारा कोर्स चल ही रहा है, और टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आपके अंदर शार्पनेस आएगी। ठीक है, तो देखिए, एक प्रश्न में आपके पास 10 सेकंड का टाइम होगा, चार ऑप्शन होंगे, 10 सेकंड में जिस आंसर को आप चूज़ कर लीजिएगा उसके बाद आपको आंसर मैं बताऊंगी। ठीक है, जिससे ये हो जाएगा कि आपको ये एग्ज़ाम में आप बैठे हुए हैं और इतने देर में आपने कौन सा आंसर, अगर ये आ जाता है एग्ज़ाम में ये प्रश्न, तो कौन सा आंसर आप चूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आंसर बता दूंगी और ख़ुद अपने आप को जज कीजिए कि कितना यूज़फुल है आपके लिए यह टेस्ट सीरीज़, या फिर आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना। आपने अब तक जो पढ़ा है उसके आधार पर आपको कितना याद है, इसके लिए टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल है। नीति निदेशक तत्वों की बात की जा रही है कि कौन सा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल है। मानव के दुर्व्यवहार और बलाश्रम का प्रतिषेध, पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, मादक पेयों और स्वास्थ्य के हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों में से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। इसमें से सही विकल्प बताना है कि कौन सा आपको राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल है। देखिए अपने आंसर, एक दो तीन या फिर तीन। देखिए 10 सेकंड का आपके पास टाइम है कि निम्न में से कौन सा नीति निदेशक तत्वों में शामिल है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम। ठीक है, ये आपका किस में है, आर्टिकल 23 में है। ठीक है, तो हम जानते हैं 12 से 35 आर्टिकल तक क्या है, हमारा मूल अधिकार है। इसका मतलब मानव के दुर्व्यवहार और बलाश्रम किस में है, आपके मूल अधिकार में है। पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, ये हम जानते हैं 39 घ में है ये। और मादक पेय और स्वास्थ्य के हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध, ये 47 में वर्णित है। इसका मतलब है कि आपका कौन कौन सा राइट हो जाएगा, 2-3 आपके नीति निदेशक तत्वों में शामिल है, तो कौन सा राइट आंसर होगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सुमेलित करना है आर्टिकल्स हैं और उनसे संबंधित क्या क्या, कौन से आर्टिकल संबंधित है। तो देखिए आर्टिकल जो 50 है, 50 आप बता सकते हैं क्या है इसमें, कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण क्या 48 का में है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण और पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, क्या ये जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं सही सुमेलित हैं या इसको आपको सुमेलित करना है। देखिए अपने आंसर कैसे आप सुमेलित करेंगे इसको, तो देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये है आपका ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है, वो है आपका 51 में, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किसमें है, 51 में है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का जो संरक्षण है वो आपका आएगा 49 में, क्योंकि ये 51 में आपका हो जाएगा मूल कर्तव्य से संबंधित है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण आर्टिकल 50, और पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन आपका 48 का में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1 और 2 मतलब कि डी आंसर राइट है, 3, 4, 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख किया गया है, 142, 144, 143 या फिर 145। ये मैं बता चुकी हूँ कि किस आर्टिकल्स में राष्ट्रपति
किस आर्टिकल के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेता है? देखिए अपने आंसर, तो राइट आंसर होगा आपका 143। ठीक है, आर्टिकल 143 के अंतर्गत यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई प्रश्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है, ऐसी प्रकृति और जो ऐसी प्रकृति का हो और ऐसे व्यापक महत्व का हो जिस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन होगा, तो वह प्रश्न को विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय को निर्देशित करेगा और उच्चतम न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित करता है। ठीक है, और लेकिन मान ये राष्ट्रपति उस निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल 143 में है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, हाल ही में जारी किए गए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान आपका 14वां है। यह इंडेक्स यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम तथा IUCN द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया था। आपको इसमें से बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, देखिए केवल पहला, केवल दूसरा, पहला और दूसरा दोनों या फिर दोनों गलत हैं। देखिए अपने आंसर, हाल ही में जारी किए गए ये इसमें क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में आपको बताना है, तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा, जो अभी जारी किए गए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में इंडेक्स में भारत का स्थान 14वां सही है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में इंडेक्स में ये क्या है, जर्मन वॉच द यहाँ पे न्यूक्लाइन इंस्टीट्यूट ऑफ द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट 56 देशों और यूरोपीय संघ को रैंक प्रदान करती है। ये सभी देश जो हैं वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में 90% तक का योगदान करते हैं। ठीक है, भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। 2017 में भारत ने 20वें स्थान पर था और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने व स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों को अपनाने के कारण भारत की रैंक में सुधार हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कितना हो गया है, 14वां हो गया है, 2018 में 14वां है। और दूसरा यहाँ पे ये जो लिखा है यूएनईपी जारी करता है, यूएनईपी ना जारी करके कौन करता है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स करता है, CCPI। ठीक है, CCPI के द्वारा होता है और कौन सा इंस्टीट्यूट करता है, जर्मन वॉच द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब केवल एक सत्य है, दो यहाँ पे गलत लिखा है कि ये संस्था जारी करती है, ये UNEP नहीं जारी करती है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, राष्ट्रपति 52वें, राज्यपाल की नियुक्ति 155, प्रधानमंत्री की नियुक्ति 75 या फिर मुख्यमंत्री की नियुक्ति 165। देखिए इसमें से कौन सा सही नहीं है, देखिए राइट आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो 164 में है, जबकि आपका यहाँ पे 165 में राज्य का महाधिवक्ता आता है। ठीक है, इसका मतलब डी आंसर सही सुमेलित नहीं है। क्या सही सुमेलित है, 52 में राष्ट्रपति है, राज्यपाल की नियुक्ति 155 में होती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति 75 में और मुख्यमंत्री की नियुक्ति यहाँ पे 165 लिखी, जबकि गलत वो 164 में होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वाटर गैस मिश्रण किसका है, वाटर गैस किसका मिश्रण है आपको बताना है, तो देखिए अपने आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, अमोनिया सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड, बताना है वाटर गैस किसका मिश्रण है। तो देखिए वाटर गैस जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। ठीक है, वाटर किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। ठीक है, ए आंसर राइट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उपराष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में क्या सही है, उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है, उपराष्ट्रपति को संसद द्वारा बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, निम्न में से कौन सा कथन सही विकल्प को आपको चुनना है। देखिए अपने आंसर, तो देखिए उपराष्ट्रपति वैसे तो
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपने पद पर रहता है, लेकिन सॉरी यहाँ पे उपराष्ट्रपति के राज्यपाल नहीं, सॉरी यहाँ पे है उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर रहता है, यह सही है, ठीक है। दूसरा है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना पद त्याग देता है, संबोधित करके देता है, राइट, ये भी सही है। और उपराष्ट्रपति को संसद द्वारा बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, यह गलत है, जबकि राज्यसभा के द्वारा, ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के यहाँ पे तत्कालीन समस्त सदस्यों ने बहुमत से पारित किया है और जिससे लोकसभा भी सहमत हो, किंतु इस प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके संकल्प के प्रस्तावित करने के आशय के कम से कम 14 दिन पूर्व उसको सूचना न दी गई हो, ठीक है। इसका मतलब है आपका तीसरा गलत है, पहला वो अपने पद पर 5 वर्षों तक रहता है, यह सत्य है, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है, यह भी सही है। 1-2 सही है, तीसरा आपका गलत है, ठीक है, इसका मतलब बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए भारतीय संविधान द्वारा, 8वां प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या सही है, मतलब क्या क्या है मूल कर्तव्यों में, मिश्रित सांस्कृतिक संस्कृति की समृद्ध विकास की रक्षा करना, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा उसका संवर्धन करना, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, इसमें से बताना है कौन सा क्या क्या मूल कर्तव्यों में सम्मिलित है। तो देखिए हम जानते हैं कि वर्तमान में कितने, पहले तो 10 थे लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो कि स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में आर्टिकल 51 का में जोड़ा गया है, ठीक है। इसमें क्या, इसमें कहा जा रहा है कि क्या क्या सम्मिलित है, तो सम्मिलित में आपका 1-2-3 तो सही है, जबकि सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा का कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है, ये चीज जान लीजिएगा। तो इसका मतलब है कि आपका हो जाएगा 1-2-3, मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विकास की रक्षा करना, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना, और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना है, ठीक है, 1-2-3 राइट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का भी समाधान प्राप्त हुआ है, आपको बताना है कहाँ से मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, मास्की से, कोल्डिहवा, वुर्जहोम या फिर चोपानी मांडो से। 9वां प्रश्न देखिए, तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर एवं श्रीनगर के पास एक मतलब जगह है बुर्जहोम से नव पाषाण कालिक अवस्था के मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल को भी दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे भी गर्तावास भी यहाँ की विशेषता रही है, और ये पूरा स्थल की खोज किसने की है अगर ये पूछा जाता है, 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने की थी, ठीक है, डी टेरा और पीटरसन ने 1935 ईस्वी में इसकी खोज की थी। इसका मतलब जम्मू कश्मीर श्रीनगर जैसा अगर वो भी आता तब आप, तो बुर्जहोम से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का भी समाधान प्राप्त हुआ है, ठीक है, सी आंसर राइट है। देखिए ऐसे प्रश्न आते हैं और आए होते तो आप क्या आंसर लगाते, आपको खुद इसमें से अभी चूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न है आपके पास, 10वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, उनका जन्म कुंडल ग्राम में हुआ है, गौतम बुद्ध की बात की जा रही है, उन्हें बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्हें 4 आर्य सत्यों का प्रचार किया, ठीक है, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, इनमें से गौतम बुद्ध के संबंध में कौन सा सही है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, उनका जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था, क्योंकि हम जानते हैं गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है, इसका मतलब पहला तो गलत हो गया, ये कुंडल ग्राम लिखा हुआ है, पहला गलत हो गया। दूसरा है उन्हें बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, हाँ ये सत्य है कि महात्मा बुद्ध को बोध गया में ही ज्ञान प्राप्त, बैसाख पूर्णिमा की रात में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, और
इन्होंने चार आर्य सत्यों का भी प्रचार प्रसार किया था। वो चार आर्य सत्य क्या हैं? दुख है, दुख का कारण है, दुख निवारण है और दुख निवारण मार्ग है। उसी दुख निवारण मार्ग के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्गों की बात की थी। ठीक है, इसका मतलब है कि दो बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्हें चार आर्य सत्य का प्रचार किया, भी सत्य है, और चौथा है उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। ठीक है, आप जानते हैं वैदिक धर्म को उन्होंने अस्वीकार किया, वेदों को वो नहीं मानते हैं, ये भी सत्य है। तो इसका मतलब है कौन कौन से यहाँ पे सत्य हो जाएगा? दो तीन और चार, दो तीन चार, दो तीन और चार, इसका मतलब डी आंसर राइट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। आपको सूची एक से सूची दो को सुमेलित करना है। सूची यहाँ पे हड़प्पा है, सॉरी हड़प्पा संस्कृति स्थल है, और जिस नदी के स्थल पर, नदी के किनारे बसे हुए थे, उनके बारे में आपको बताना है। तो देखिए अपने आंसर, लोथल, सुतका गेंडोर, मोहन जोदड़ो और काली बंगा। तो देखिए अपना राइट आंसर हो जाएगा आपका, लोथल जो है आपका बसा हुआ था किस नदी के तट पे? आप आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है नदी पे, नदी जिस पर वो स्थित थे, तो लोथल होगा आपका भुगवा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका सी आंसर, दो तीन चार एक, दो तीन चार एक, लोथल भुगवा, सुतका गेंडोर हो जाएगा दाश नदी, मोहन जोदड़ो हो जाएगा आपका ये दाश और सॉरी सिंधु, और कालीबंगा घग्घर। तो देखिए लोथल आप लगा सकते थे आसानी से भुगवा नदी के तट पे, मोहन जोदड़ो भी आप बता सकते हैं, सिंधु ये भी राइट था, और लेकिन यहाँ पे कालीबंगा घग्घर बता सकते थे। दो नदियों को थोड़ा सा आपको वो करना है, ठीक है, जिसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सुतका गेंडोर नदी थोड़ा सा वो है दाश्क नदी के है, याद रखिएगा। ठीक है, दो तीन, तो यहाँ पे लोथल भुगवा, तीन आपका दाश्क हो जाएगा, मोहन जोदड़ो सिंधु, कालीबंगा घग्घर। ठीक है, दो तीन चार एक, सी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संबंध में सही कथन कौन सा है? मौर्यकालीन इतिहास का वर्णन है, कौटिल्य की आत्मकथा, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक चंद्रगुप्त मौर्य की आत्मकथा है। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन बताना है कि कथन सही है, ए बी सी डी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संबंध में आपको बताना है कौन सा सही है। तो देखिए, कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि कौन एकदम लास्ट में आएगा और पहले क्या है, तो राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या की है। ठीक है, तो इसका मतलब है शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। ठीक है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो किससे? शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा सी आंसर राइट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं? देखिए अपने आंसर, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ कहाँ कहाँ स्थित हैं? तो देखिए, आदि शंकराचार्य द्वारा जो स्थापित चार मठ हैं वो होंगे आपके जोशी मठ, द्वारका, पुरी, सिंगेरी। ठीक है, जोशी मठ, द्वारका, पुरी, सिंगेरी का मतलब है द्वारका, पुरी, जोशी मठ, सिंगेरी, इसका मतलब सी आंसर राइट है। ये याद रखिएगा, पूछा जाता है तो देखिए, सिंगेरी जो है कर्नाटक में है। ठीक है, सिंगेरी कर्नाटक का मतलब हो जाएगा आपका पश्चिम में। ठीक है, द्वारका गुजरात में है, सॉरी सिंगेरी यहाँ पे पश्चिम, ये कर्नाटक में है, तो ये उत्तर मान लीजिए आप, द्वारका गुजरात में है, और पश्चिम सिंगेरी आपका कर्नाटक दक्षिण में, द्वारका गुजरात पश्चिम में, पूरी उड़ीसा पूर्व में, और जोशीमठ जो है उत्तर में दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा ये एक एक साइड में ही सारे हैं, इसलिए वो थोड़ा सा इसको याद करिएगा कि कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे उत्तरी तो याद हो सकता है कि ज्योतिर्मठ या जोशीमठ उत्तराखंड में है। ठीक है, तो इसको उत्तर में कर सकते हैं, पूर्व में उड़ीसा को बता सकते हैं आसानी से, पुरी है, पुरी, उड़ीसा, पुरी हो जाएगा, और गुजरात चूंकि एकदम पूर्व पश्चिमी उसमें है, तो द्वारका जो है पश्चिम में है, और
आपका दक्षिण में सिंगेरी कर्नाटक आ जाएगा, ठीक है। कर्नाटक का ही थोड़ा वो है, किनारे पे आ रहा है गुजरात के जस्ट, थोड़ा वो कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन आप वो कर सकते हैं। सी आंसर यहाँ पे राइट है। फिरोज शाह तुगलक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सकूट का सही प्रयोग करके उत्तर को दीजिए, ठीक है। देखिए, उसने 24 करों को समाप्त कर दिया था, उसने इस्लामी शरीयत कानून द्वारा अनुमत प्राप्त केवल 4 करों खिराज, जकात, जजिया और खुम्स को आरोपित किया, उसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, नहर प्रणाली के निर्माण के बाद उसने उलेमा की स्वीकृति के पश्चात हप ए सर्व नामक सिंचाई कर भी लगाया था। इसमें बताना है फिरोज शाह तुगलक के बारे में निम्न में से कौन सा सही है। देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका, इनके उसने 24 करों को समाप्त कर दिया था। तो याद रखें फिरोज शाह तुगलक ने कर प्रणाली की धार्मिक स्वरूप प्रदान किया और 24 प्रचलित करों को समाप्त कर दिया और इस्लामी शरीयत कानून द्वारा अनुमत प्राप्त केवल 4 कर, कौन कौन से कर होगा, खिराज, जकात, जजिया और खुम्स को आरोपित किया लगाया। अपनी मजहबी उत्साह और धर्म निष्ठा का प्रदर्शन करने के लिए उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था, ठीक है। चूंकि देखिए इसकी जो फिरोज शाह तुगलक की माँ जो थी वो क्षत्रिय थी, इस वजह से जब ये गद्दी पर बैठता है तो ये लोगों को दिखाना चाहता है कि कहीं ऐसा जनता यह ना समझ ले कि वो कहीं हिंदू धर्म से वो नहीं है, प्रभावित तो नहीं है। इस वजह से इसने पहले बैठते के साथ हिंदू धर्म पे जजिया कर लगा करके ये दिखाया कि नहीं, वो आपके लिए मुस्लिम धर्म को ही मानता है, मुस्लिम धर्म से ही वो है, ठीक है। तो इसके लिए अपने एक पर धर्म निष्ठा को दिखाने के लिए इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। नहर प्रणाली के निर्माण के बाद उसने उलेमा की स्वीकृति के पश्चात हब ए सर्व नामक सिंचाई कर भी लगाया था, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित हैं, तोंडी, कोरेकय, मुसिरी और पुहार। निम्न में से कौन सा संगम पत्तन जो पश्चिमी तट पर स्थित हैं, आप देखिए इसमें आंसर। तो देखिए इसमें एक पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ एथियन सी, जिसके लेखक जो हैं वो अज्ञात हैं, इसके बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है कि इसके लेखक कौन हैं, ठीक है। इन्होंने ये जो बताया है, इनके द्वारा बताया गया है कि तोंडी और या आपका मुसिरी जो है वो पश्चिमी तट पर स्थित है, ठीक है। इसमें क्या है, प्राचीन काल के बहुत सारे बंदरगाहों की सूची इन्होंने दी है, जिसमें से नौरू, तोंडी, मुसिरी, नेलिसंडा पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह इन्होंने बताया। तो आपका तोंडी और मुसिरी हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर राइट है। नेक्स्ट देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था, कथन कारण बताना है। वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। मतलब ये कहने का मतलब है कि क्या अलाउद्दीन खिलजी ने जो दिल्ली में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को स्थापित किया था, इसलिए किया था जो अपने यहाँ जो राजभवन के निर्माण करने वाले कामगारों को कम वेतन देने के लिए। तो इसका मतलब देखिए आर तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि वह बाजार प्रणाली स्थापित करता है और मूल्य नियंत्रण की नीति लागू करता है और अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। बर्नी ने इस बाजार सुधारों का उद्देश्य बताया है, ठीक है, इसमें बाजार को सुधार करने का उद्देश्य इसको बताया है। और मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना तथा हिंदुओं में विद्रोह के प्रचार न पनपने देना इसका मुख्य कारण बताया था, ठीक है। कारीगरों को कम वेतन देने से इससे कोई संबंध नहीं है, इसका मतलब है कि बी गलत है, मतलब ए सत्य है लेकिन आर गलत है, ए सही आर गलत, सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आलम शाह आपको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, आलम शाह, मुबारक शाह, रुकनुद्दीन शाह, आप फिरोज शाह तुगलक या फिर रुकनुद्दीन शाह फिरोज शाह, देखिए इसको सही सुमेलित करना है। तो देखिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो थे ये 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं, मुबारक खान जो है यह 1316 से 1320 तक गद्दी पर रहते हैं, और फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक, और आलम शाह 1444 से 1451 तक गद्दी पर रहते हैं, ठीक है। उस हिसाब से आप देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
ए, ठीक है, 4 2 3 1, 4 2 3 1। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? खराज, उष्ण, मुत्तई या फिर यहाँ पे खुम्स। खराज, खुम्स, उष्ण या मुत्तई। तो देखिए, इसमें से कौन सा है जो कि भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? अपने कूट का चयन कीजिए। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा खराज, उस्र और मुक्तई। तो है, ये भूमि उत्पादों पर लगता था, जबकि खुम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था। यह क्या था? एक धर्म निरपेक्ष कर था। खुम्स जो था लूट का धन था, जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था, और इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा हो जाता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में रखा और शेष 1/5 सैनिकों में बांटा था। ठीक है, खुम्स पूछा गया है। खुम्स क्या है? एक लूट से प्राप्त धन था। ठीक है, बी आंसर राइट। यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 3 और 4, खराज, उस्र और मुक्तई जो है आपका भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर था। नेक्स्ट देखिए, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया था? मैं बता चुकी हूँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी भी ये पूछा जा सकता है। तो देखिए, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए जिस आयोग का गठन किया था, उसका नाम था, आप अपने आंसर देख लीजिएगा, पील आयोग। ठीक है, उसका नाम था पील आयोग। पील आयोग क्या था कि इसमें सेना के रेजिमेंट को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया था। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 के पहले 45,000 थी, अब उसको 65,000 कर दिया गया। भारतीय सैनिकों की संख्या 23,000, यहाँ पे 23,800 से घटाकर 1,40,000, ठीक है, कर दी गई थी। और यूरोपीय सैनिकों की जो भारतीय 1:2 के अनुपात में इनको व्यवस्थित किया गया है। बम्बई, अगर बम्बई में यह अनुपात पूछा जाता है तो 1:3 था। ठीक है, तो इसका मतलब पील आयोग है। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया था? पील आयोग का। देखिए, इसमें वो समाचार पत्र और उस किसके के संपादक कौन थे, बताना है आपको। तो देखिए, गुलाम हुसैन जो है, गुलाम हुसैन की जो समाचार पत्र था उसका नाम था इंकलाब। ठीक है, मोहम्मद अली का आप जानते हैं कामरेड है, अरविंद घोष का बहुत ही चर्चित पत्रिका है, ठीक है, वंदे मातरम, और एस ए डांगे का द सोशलिस्ट। ठीक है, द सोशलिस्ट, इसका मतलब आपका हो जाएगा 4 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3 का मतलब सी आंसर राइट है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें 20 प्रश्न थे, 200 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब आप खुद अपना आकलन कीजिए कि कितने प्रश्न आपके राइट हुए। ये देखिए, 20 प्रश्नों का डेली सॉल्व करेंगे। ये ऐसे प्रश्न होंगे जो कि यूपीपीसीएस प्री 2018 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो आप कल के जो 20 प्रश्न ऐसे होंगे जो कि पीसीएस के लिए पूरी तरीके से आप तैयार रहिए, कि इसमें से 1 2 प्रश्न या फिर इसका जो डिस्क्रिप्शन बताया जा रहा है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। उसमें से भी जो बताया जा रहा है उसको भी याद रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए। तो 20 प्रश्नों का इंतजार कीजिए। और करंट अफेयर्स का भी मैं वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ, आप लोग उसको भी जरूर पढ़िए, क्योंकि वो देखिए पॉइंटर से मैं पढ़ा रही हूँ, पॉइंटर आप लोगों के पास होगा भी, आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। लेकिन जो योजनाओं से संबंधित जो नीतियाँ कार्यक्रम भारत सरकार की हैं उसको बताती हूँ, प्लस जो पॉइंटर के माध्यम से हम लोग वन लाइनर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उसको भी पढ़िए। ये करेंगे तो आपका लगभग देखेंगे कि पीसीएस के लिए पूरी जो आपने पढ़ाई तो की ही है, तैयारी एकदम अच्छे से होगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि जो नया वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी। थैंक यू।